का किराया क्या है? 2000। लाइट को अलग से एडवांस कितना देना पड़ेगा? 2000। तीन बाथरूम है और पानी लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है और ये मेरा अपना है। तो चलिए, आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, वरना आप बीच में वीडियो छोड़ देंगे और बोलेंगे आरती हमें समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रही हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि हमने ना जो मेरा डिसीजन था वो आप बताइएगा बिल्कुल सही है या नहीं है। कुछ चीज़ों का है कि जो वो एन मौके में बताओ वही अच्छा है, और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही होगी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। हालांकि ये अभी सुबह सुबह का समय है और अपना मैं अभी पूरा पूरा ख्याल रख रही हूँ। पूरा मतलब कहने का मतलब, अगर मैं स्वस्थ रहूँगी ना तो सब ठीक रहेगा, और मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तो फिर मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगेगी। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि जब मैं व्लॉग मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कोई जैसे ऑटो की आवाज़ कुछ और आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली अभी क्या, हमारे जो हम नए घर में है ना, वो हमारा वो आप सोचेंगे कि आरती अचानक से वहाँ रहने का उसने क्यों बनाया है। तो कुछ सामान यहाँ पर हमने पैक कर लिया है जो वहाँ पर हम ले जाएँगे, और कुछ है वो जो नहीं लेकर जाएंगे, धीरे धीरे लेकर जाएंगे, है ना। और जैसे कि बनाने खाने के लिए गैस वगैरह तो अभी हमसे नहीं बनेगी, तो हम इंडक्शन ले जाएंगे, है ना। और जैसे फिर देखेंगे किसी को हेल्पर के लिए, अगर वो तैयार हो गए हेल्पर, उनको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। तो ये है, अभी क्या कोई मिला नहीं है अभी, तो बस अभी मुझे अकेले भागा दौड़ी करनी है। तो जो सामान था मुझे मैंने रख लिया है। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे वहाँ से भी फ़ोन आ रहा था कि हम आ जाएं क्या मदद के लिए, हेल्प के लिए। और ये चीज़ें मैं आप लोग को अचानक बता रही हूँ। पहले मैंने कहा था कि अगर मैं आप लोग को बता देती हूँ तो फिर पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कहा जब मैं मकान ढूंढ लूँगी, जब हम रहने को जाएंगे तभी बताएंगे। तो धीरे धीरे सेट होगा, है ना। और यहाँ पे अभी देखो शिव बैठा है वहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि जैसे डॉक्टर के चक्कर अब तो लगा लगा के हम थक गए हैं, ठीक है, कि और होना कुछ नहीं है। पता है आपको भी कि अगर तबीयत ख़राब होती तो डॉक्टर मेडिसिन दे देते, उनकी तबीयत ठीक हो जाती, पर वो चीज़ इनको नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था, उनको ना बायोप्सी होना है। और अभी आप भी बोल रहे हैं आरती आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी फिर आप भागा दौड़ी। तो उस चीज़ के लिए ना हर चीज़ की आपको पता है, डॉक्टर हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कि बस वो फ्री में इलाज कर देंगे। इसके लिए भी पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है बायोप्सी के लिए, तो इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पता नहीं मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ, मतलब वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे पता है हॉस्पिटल में इतना पैसा लगता है ना, बहुत लगता है, और मुश्किल से मैं इनका मेडिसिन का कर पाती हूँ, आई थिंक कर ही लेती हूँ। और बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि स्प्रे कीजिएगा कि जो मेरा यूट्यूब वीडियो है वो और जाए। अभी देखिएगा पिछले 2 महीनों से ना मेरा जो वो है कि लोग शायद हमें देखना पसंद नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, वो उनका रीज़न है ना, हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है ना। तो पर जो लोग मुझे देखते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं कैसी भी परिस्थिति में, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और देखिए इस घर का ना हमें बिजली बिल भी देना पड़ता है, जो कि कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है इसलिए। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि बस इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गई, है ना, आजकल हम कर रहे थे तो क्या करें अब, इसलिए है ना, हर चीज़ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा जो घर है, हम सीधे फिर यहाँ पे आ गए थे अपना घर का काम वाम करके। और देखिए देव ने ब्लॉग बनाया है, मतलब वीडियो बनाया है, उससे काफ़ी अच्छे से आ जाता है फ़ोन पर करते, तो उसको भी ना मैं लेकर गई थी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं आप लोगों से ही बोल रही थी कि मकान आप लोग बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है, और भी हैं
है ना। तो अभी तो उन्होंने ये बताया था, और ये ना किराए से चलाते हैं, थोड़ा सा दूर था। और मेरे लिए सही है नहीं है आप ही बताइएगा। और शिव यहाँ पे सो चुका था, तो मतलब कि ये फैलती उतनी जगह तो नहीं है, पर ठीक है ना। और जैसे कि हम आप लोगों ने बोला था, आप ना पंडित जी से पूछवाइएगा कि आप लोग की लाइफ में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जब भी एक्चुअली अच्छा बहुत अच्छा होता है, हमेशा होता है, पर जब हमने उस खुशियों को मनाने की कोशिश की ना, तब ना तब तब कोई ना कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। और हमें उस चीज़ का समझ ही नहीं आता कि कब हमें कैसे इस मुश्किल घड़ी से निकलना है। तो एक तो पंडित जी ने खुद ही बताया कि आप थोड़े दिन के लिए इस घर में ना रहें, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर्स किसी के यहाँ भी। तो देखिए हमारे यहाँ तो ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स हैं नहीं जो कि मतलब कि हम जहाँ पे जा सकें। तो बस उन्होंने देख लिया था, और हमने यहाँ पे फिर कुछ कमरे और उन्होंने दिखाए थे, फिर मैंने कहा ठीक है। हालाँकि उनके यहाँ कुछ पीछे भी थे, पर मुझे जो समझ में आए वो मैंने देख लिए। वो पीछे भी दिखा रही थी, मैंने कहा जैसे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए ऐसा बच्चे लोगों को खेलना हो, तो फिर यहाँ पे उन्होंने चल के बताया। वैसे मुझे देखना नहीं था, ऊपर भी था उनका, तो फिर इन्होंने बोला यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला यहाँ पे ना पानी वानी आता है, थोड़ा सा यहाँ का एरिया मुझे थोड़ा सा वैसा लगा। आप लोग बताइएगा ठीक है नहीं है। देखिए हर चीज़ देखनी है ना, इनको लेकर भी, खुद को लेकर भी। और कभी कभी होता है, हम नहीं मानते हैं, देखिए अगर अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ें भी होती है, बुरी होती है तो अच्छी चीज़ें भी होती है, ये सब एक मतलब ज़िंदगी का पहला ही है ना। और कभी हंसी है तो कभी खुशी है, कभी गम है तो कभी आंसू है। तो मतलब 1.5-2 किलोमीटर का था, और अच्छा था। आप लोग बताइएगा ठीक है या नहीं है, या फिर मैं और भी कहीं देखूं। वैसे इनको एडवांस दे दिया उन्होंने, बोला था जैसे हमने उनको स्थिति बताई थी, और जहाँ भी हम कहीं जैसे कोई पूछता ना वीडियो क्यों बना रही हो, तो हम उनको बता देते हैं भाई कि देखिए कल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इस वजह से हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो इनके यहाँ बहुत सारे रूम थे, ये देखिए आप खुद ही देख लीजिएगा ये रूम, है ना। वो आंटी जी बोल रही थी क्यों खाली कर रहे हो, क्या है कैसा है कितने बच्चे हैं, तो मैंने उनको बताया। फिर उनको मैंने अपनी स्थितियाँ भी बताई, जो भी परिस्थितियाँ हैं मेरी चल रही हैं। और शिव सो गया था ना, तो वो और भी ज़्यादा मतलब वैसा लग रहा था। तो मेरे आप फेस से समझ सकते हैं देख के कि मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और मैं उनसे बोल रही थी, तो बोल रही थी आप ये वाला भी रूम देख लो, इस पर ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, मतलब वो अपने तरीके से मुझे बताई जा रही थी बार बार। बट जो मुझे फाइनल करना था वो तो मैंने कर लिया। ये देखिए अभी ना इस पर लाइट नहीं थी, एक्चुअली ना इसकी ना लाइट गोल थी, और ऐसा हॉल टाइप का है, और धूप भी आ जाएगी पीछे साइड से। तो देखिए अभी चलिए हम घर चल के बात करते हैं ना आप लोगों से, क्योंकि अब यहाँ पे और ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे हम। वैसे बात तो मैं घर ही आके कर रही हूँ, तो ये आप लोग बताइएगा ठीक है या नहीं है। ठीक नहीं, फिर उसके बाद हम देखिए घर को आने लगे थे, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से शिव को पकड़ा था। तो क्या अभी ज़्यादा अच्छे से बात करते आने नहीं। और धूप देखिए बहुत कड़ी थी, बहुत तेज थी। अभी ना जैसे सुबह थोड़ी सी ठंडी है, और शाम को थोड़ी सी ठंडी लगती है, बाकी ना वो धूप बहुत तेज कड़ी धूप रहती है इसलिए। तो चलिए एनीवे घर जाके आप लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, और क्या कैसा है वो भी सब बताएंगे हम आप लोगों को। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, जल्द ही आप लोगों से मिलते हैं। अभी तो खैर दोपहर का समय, अब घर में जाके आप लोगों से पता नहीं कितनी टाइम मिलेंगे। तो घर में आके हम आप लोगों से अब नेक्स्ट डे सुबह मिल रहे हैं, और सुबह बस खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज वहाँ का भी रूम साफ करने जाना है, वही जो आप लोग को बताया है, और उसका किराया ज्यादा नहीं है, है ना, कि उसका किराया ज्यादा हो। तो फिर यहाँ पे मैं एक तरफ सब्जी बनाऊंगी, और आज तो इसका स्कूल भी नहीं है देव का, तो कोई बात नहीं आराम से कर लूँगी, पर वहाँ जाना है ना इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है।
और मैंने आप लोग को बताया था कुछ सामान पैक कर लिया था, कुछ मुझे आज पैक करना था, क्योंकि जो मुझे फैसला जो भी डिसीजन लेना था वो मुझे जल्दी ही लेना था, कि कल के लिए कोई और दिक्कत उनको परेशानी हो उसके पहले ही हम सतर्क हो जाएं, वही बेहतर है हमारे लिए। और जब कोई बता रहा ना कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो भी इस वजह से है, तो वो चीज़ को हमको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से सब्जी का छौंक लगा दिया था, आटा मैंने लगा दिया था, और देखिए मैं बता दूँ आप लोगों को कि दो हाथ है, दो हाथ में भी मुझे लगता है कि काश मेरे चार हाथ होते तो मैं ये काम भी जल्दी कर लेती, वो कर लेती। खैर कोई बात नहीं, मुझे ना बहुत चीज़ों का सबक मिल रहा है कि आरती इस मुश्किल घड़ी में ना खुद को तुम्हें अकेले निकालना है जो भी परेशानी है, और इसको तुम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपकी लाइफ बुरी है, अब आपको अच्छी बनानी है ना। इस घर में तो नहीं हो पाएगी, मुझे भी ये पता है। और क्या मैं ये सही बोल रही हूँ या फिर मेरा दिमाग है या फिर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, ये भी मुझे नहीं पता। पर कहते हैं जब आप 10 तरीके की बातों को सोचते हो ना, तो आपकी 10 तरह की बातें मुंह में भी आती हैं और सामने वाले भी आपको 10 तरीके की बातें बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाजी को काट के रखा था, फिर भी मैं देख रही थी कि ठीक तरीके से कट गई है कि नहीं कटी है। उसके बाद देखिए फिर मैंने ये पालक की भाजी बनाई है, और इसकी बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी और इनको नाश्ता दे दिया था मैंने। ये सब अभी हम दे सकते हैं, पालक वगैरह की भाजी वगैरह दे सकते हैं अभी, ऐसा इन इस चीज़ के लिए मना नहीं है तो दे देंगे। और देखिए हर चीज़ को देखना है ना। तो अपनी जो है परेशानी आप लोगों से रोज़ रोज़ हम बता भी नहीं सकते, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और अब उसके बाद आ गई है हमारे, देखिए किचन भी क्लीन आपको दिख रहा हो, कितना सारा पहले फैला दिख रहा था ना, अब साफ सुथरा हो गया। टप मैं इसके नीचे जरूर लगाती क्योंकि टप टप पानी जो है छूता ही रहता है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आपके घर में अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो वो चीज़ें आपको खुद खुद समझ में आती हैं। जैसे कि कहते हैं कि पानी का जो है ना वो गैस और पानी एक साथ नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आप लोग ही बोलते हैं। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी समझ में नहीं आती कि अब हम कहाँ चले जाएं, है ना। कहते हैं कि आरती आप इस घर को खाली करके देखिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं हम, अगर अगर इसी से होगा तब तो ठीक है, और नहीं होगा तो शायद ऐसे घर से और इन सब परेशानियों से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी एक बार हम कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। मैंने क्या बोल दिया इतनी वीडियो में मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि दिमाग मेरा सही नहीं है सच में। अभी ना हफ्ते 15 दिन से बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, जैसे कि मैं ब्लॉग बनाती थी मुझसे नहीं बन पा रहा है, कोशिश मैं पूरी करती हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आधा टाइम इनकी उसमें चला जाता है। फिर बार बार रोज रोज मैं इनको दिखाती हूँ, इनको अच्छा नहीं लगता कि आरती मुझे मत बताया करो, मैंने कहा ठीक है नहीं बताऊँगी। और कल जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि हम मकान देख के गए थे, और ये जो मेरा फैसला है वो मेरे पति देव के ख़िलाफ़ है, इनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि आरती कहीं नहीं जा रहा, फिर भी मैंने लिया क्योंकि अब इस घर में और नहीं, बहुत हो गया सच में, है ना। और जहाँ पे हमने तो हमने जहाँ मकान लिया है और वो उसको आज साफ वगैरह करने जाएंगे और वहाँ पे ना कहने का मतलब कि हमने पंडित जी को दिखाया था तो वो बोल रहे थे आपकी आपके लिए घर नहीं फलित घर नहीं है, या फिर यहाँ पे पूजा पाठ होनी चाहिए, है ना, मेरे पति के नाम की पूजा पाठ होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब वो जब से ये शायद बना होगा उनका ही कहना है, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत मतलब जब भी हमने खुश रहने की कोशिश की ना कोई परेशानी आके खड़ी हो जाती है, और परेशानी इतनी बड़ी रहती है कि उसका सलूशन का हल ही नहीं मिलता है। और ये देखो ये खड़े होने की कोशिश कर रहा और फिर गिर गया, ये कम से कम दिन में 5 से 6 बार ऐसा ही करता और ऐसे ही गिरता है। और आज संडे है, ये मेरा ब्लॉग अभी जाएगा, एडिट करने बैठी थी और नाश्ता पानी बन गया, 9 बज रहा है, और आज इसलिए मेरा फटाफट हो गया, बहुत सुबह उठी थी क्योंकि वो जाना है मुझे उस घर में और क्लीन वगैरह करना, रेंट का सबका मैंने जो है वो फाइनल कराया है।
और इनको नहीं बताया था, इनको भी अभी बताऊंगी। अब देखते हैं ये मुझे क्या बोलते हैं, वैसे कुछ कहेंगे तो नहीं। और पंडित जी को हमने कल घर ही बुलाया था। शबे ए शिब्बी शिबू शिव शिव कहाँ शिव शिव कहाँ है कहाँ है? जे शिव बाय बाय कर दो छपको। टाटा टाटा कर लू टाटा नहीं कर ला आप कर दो। कैसे हो गाइस? हाँ जी देखो भैया ने की, अब आप भी कर दो। अभी छलम आ ली है, छलम छलम आ ली है, छलम आ ली है। चलिए तो बाय बाय, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और शायद जो आने वाला ब्लॉग हो, अगर वो मतलब घर की साफ़ सफाई हो गई, कि आज जो मैं कह रही हूँ ना कि वो घर जाना हो गया, तो आज चले जाएंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं, है ना। बाय बाय कर दो। अच्छा मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, आप कुबलेश्वर धाम जाइए, प्रदीप मिश्रा जो है मैं उनका उनका पढ़ती तो हूँ, वहाँ पर ना रुद्राक्ष भी बट रहे हैं। किसी ने मुझे कल बोला कि उनके पास है, आप एड्रेस भेजिए, हम यहाँ से कोरियर कर देंगे। तो वहाँ पे ना अब 14, 15, 16 तारीख कितने तारीख तक बटने हैं, तो हमारे यहाँ से तो पास में ही भोपाल है शायद। तो कई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे लोग ठीक होते हैं, आप जाइए रुद्राक्ष का पानी पीजिए। तो हम वहाँ के लिए भी कोशिश करेंगे, हम भगवान के ऊपर भी कोशिश भगवान के ऊपर कह रही हूँ, हम डॉक्टरी भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि अब इनका बायोप्सी होगा, सिम पता चलेगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ और हम करें, है ना। नम 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 बाय कर दो, बाय गाइस।